हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले विंग्स की ओर से आने वाला फैंटम 200 गेमिंग ईयरबड्स के बारे में। और गाइस, इसकी जो प्राइस है ना, ओ भाई आप आश्चर्यचकित होने वाले हो काफी जल्द। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है 999 रुपीज के अंदर आपको एक गेमिंग ईयरबड्स मिलने वाले है। और ये विंग्स की ओर से भाई काफी अच्छी प्रोडक्ट मुझे अभी तक लगती है। अब जल्दी से यहाँ पे इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स वगैरह कौन कौन से मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे विंग्स की ब्रांडिंग, फैंटम 200 या इसका मॉडल नंबर, एक्चुअल इमेज, थोड़े बहुत की फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साइड वाले पार्ट के ऊपर भी थोड़े बहुत की फीचर्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाते हैं। पीछे की और भाई MRP लेबल और इंपोर्टेड मार्केटेड बाइक की डिटेल वगैरह मिल जाती है। जल्दी से भाई बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। भाई पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी पैकेजिंग ही है। और यहाँ पे हमारे ये रहे ईयरबड्स। और इसके अलावा एसेसरीज में बात करें तो भाई एक ब्लैक डिब्बा मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है, और टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको भाई डॉक्यूमेंटेशन तो काफ़ी सारे अभी लगते हैं इसके अंदर। पहले तो 1 ईयर की वारंटी कार्ड देखने को मिल जाती है, एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, और इसके अलावा एक भाई काफ़ी सारे विंग्स के स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं। चलो इन सबको जल्दी से साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन ईयरबड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये रहे विंग्स के फैंटम 200 एक गेमिंग ईयरबड्स। और यहाँ पे इसके बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी बिल्ड एंड क्वालिटी अभी तक मुझे लगी है। मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं, विंग्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे इसका जो हिंज वगैरह है काफ़ी परफेक्ट है। और एक गेमिंग ईयरबड्स है तो भाई LED लाइट तो बनती है। और यहाँ पे ईयरबड्स के अंदर भी आपको LED मिल जाएगी, चार्जिंग केस के अंदर भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इस दोनों ईयरबड्स को भाई बाहर निकालते हैं तो भाई इसका जो लुक है वो एकदम डिफरेंट टाइप का लुक अभी तक मैंने ईयरबड्स के अंदर ये देखे है। और काफ़ी अच्छी लुक वाइज तो मुझे अभी लगे, विंग्स की ब्रांडिंग है और ईयर टिप्स भी काफ़ी अच्छी है, ईयर लॉक के साथ आपको मिल जाएगी। अब जल्दी से इसको पहन के भाई देख लेते हैं। भाई सिक्योर फिट तो आपको यहाँ पे ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी लाइट वेट भी मुझे अभी तक लगे है। जी हाँ, काफ़ी लाइट वेट है। और यहाँ पे इसका जो चार्जिंग केस है वो भी भाई काफ़ी लाइट वेट है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ईयरबड्स और चार्जिंग केस इन दोनों को मिला के अराउंड इसके वेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 45 to 50 ग्राम समथिंग कुछ इसका वेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब है ऑलमोस्ट काफ़ी लाइट वेट मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इस ईयरबड्स है वो आपको IPX5 सर्टिफाइड मिल जाता है। मतलब वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस आपको ये मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल सी बूंदाबांदी में कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। मतलब भाई 999 रुपीज के अंदर भाई IPX4 सर्टिफाइड मिल जाता है, वो एक काफ़ी अच्छी बात है। ईयरबड्स के बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो भाई इस ईयरबड्स को 100% चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे 6 to 8 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। और विद चार्जिंग केस के साथ यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो टोटल आपको 30 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा, जो भाई काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मुझे तो अभी तक यहाँ पे जो इसके अंदर मिलती है वो लगी है। तो चलो अब जल्दी से यहाँ पे इसका साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको किस टाइप का मिलने वाला है। One eternity later. साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस है वो भाई काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो मिड हाई ट्रबल्स वगैरह है वो भाई एक्यूरेटली परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रबल्स वगैरह में डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। लेकिन भाई 999 की प्राइस रेंज के अंदर जो है विंग्स के गेमिंग ईयरबड्स आपको मिल जाता है तो इससे ज़्यादा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 999 के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, लाउडनेस के मामले में तो काफ़ी कमाल के, बेस क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अब यहाँ पे जो 999 रुपीज के अंदर जो आपको गेमिंग ईयरबड्स मिलते हैं इसका गेमिंग टेस्ट करते हो, देखते कि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है वो किस टाइप का मिलने वाला है। रुकिए भाई गेमिंग टेस्ट करते हैं, उससे पहले भाई गेमिंग मोड के अंदर किस तरीके से एंटर होना है। तो राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर आपको 2 to 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करना है, तुरंत भाई आप गेमिंग मोड के अंदर एंटर हो जाओगे। चलिए जल्दी से गेमिंग टेस्ट करते हैं।
गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे काफी कमाल का लगा है भाई। 999 रुपीज के अंदर जो आपको ये ईयरबड मिल जाते हैं उस हिसाब से भाई गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाता है। लेफ्ट और राइट की जो साउंड है वो एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं, मतलब एक्यूरेटली आपको सुनाई देगी और वेरी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लैकिंग वगैरह मुझे अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चलो अब जल्दी से इस ईयरबड्स का माइक्रोफोन का टेस्ट करते हैं और देखते हैं भाई माइक की क्वालिटी आपको किस टाइप की मिल जाती है। अभी जो आपको ये मेरी आवाज आ रही है डायरेक्टली भाई विंग्स फैंटम 200 ईयरबड्स के अंदर से रिकॉर्ड होती हुई आ रही है, मतलब आप ही खुद अंदाजा लगा लीजिए भाई किस टाइप का यहाँ पे इसका जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे। ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो फीचर्स और लेटेस्ट फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, IPX5 सर्टिफाइड मिल जाता है, वो भी भाई 999 रुपीज के ईयरबड्स के अंदर ये फीचर्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे काफी हद तक अच्छा लगा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी भाई 999 के अंदर भाई इतनी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिलती है। अभी मैंने इस ईयरबड्स को 999 रुपीज के अंदर परचेस किया है। इस प्राइस रेंज के अंदर भाई काफी बेस्ट ईयरबड्स मैं आपको कहने वाला हूँ और रेकमेंडेड भी करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परचेस करना है तो जल्दी से परचेस कर लीजिए। ऑलमोस्ट 5-6 दिन के बाद इसकी प्राइस 300 से 500 रुपीज तक इंक्रीज हो जाएगी। अगर 1500 रुपीज के अंदर इस ईयरबड्स के बारे में बात करें तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा इसका प्राइस मुझे हाई लगता है। 1500 रुपीज़ के अंदर अगर 1100-1200 रुपीज़ के अंदर आपको ये ईयरबड्स मिलते हैं तो आप बेझिझक ले लीजिएगा, रेकमेंडेड है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह आपको इस ईयरबड्स के अंदर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये जो ईयरबड्स हो किस टाइप के लगे 999 रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारे जो भी अपकमिंग रिव्यू वीडियो आते रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आती रहे, इसलिए भाई बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। तो फिर बेल आइकन को प्रेस करके सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।